स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री भी अगर चाहे तो उसी घर को शमशान बना दे। मगर मैं तो यही कहता हूँ सखियों कि बार भर के फूटे भाग्य जन नारी आई पत्नी के विचार अलग होते हैं वो घर घर नहीं बल्कि शमशान बन जाता है। विद्वानों ने तो ये बताया है कि पति और पत्नी और जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया होते हैं और गाड़ी में अगर एक भी पहिया कमजोर है तो गाड़ी को चलने में झटका लगता है। हाँ पहिया तो दो ही है, एक गाड़ी में साइकिल का पहिया लगा दिया जाए, ट्रैक्टर का लगा दिया जाए तो कैसे चले। ऐसा ही हाल था एक हमारे मित्र का। बहुत देर पहले जब मैं पढ़ता था तब वो हमारे साथ पढ़ते थे, उसके बाद करीब वर्षों बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि भाई पहले तो तुम बहुत हुस्त थे लेकिन अब क्या हुआ। तो पहले तो बेचारे कहानी बताने में बड़े दबे, फिर कहने लगे ब्रजेश क्या बताएं, सबसे बड़ी मुश्किल तो एक है वो कौन सी है। तो उन्होंने मुझे समझाया और समझाए तो बोले भैया कि मिली है मोए टंगरी मारी जवाब दो भैया, सबसे बड़ी परेशानी हमें यही है तो हमने तुम्हारी कहू किस्मत खुली है तुम्हें टंगरी नारे मिली, अगर घर में टंगरी नारे तो काम काज जाना कैसे हो जाए कैसे। हाँ क्योंकि जब घर में कोई टंगड़े आदमी है तो काम काज जाना चाहिए।
अरे हम क्या करें, हमें तो बड़ी कमजोर मिली। तो बोले काम कार्य के कारण क्या है, मुसीबत और है। भैया भैया क्या बताएं जिंदगी की बातें, और जो कुछ है वो सब ठीक है। और कहा के बाद भैया सबसे बड़ी मुश्किल तो एक बात है कि कहीं तो नहीं यार, जब हमने बात जताई तो देख समाज में बदनामी हो रही है और तू जैसे काम काज कर रही है। अरे आखिरकार तुझे घर लेना चाहिए, भला किसी से तुझे क्या लेना देना। और जो बात इतनी बात सुनी तो भैया आया तो झूठा था तो पूछा ही ना। तो जब मैंने भूसा दो तो हम तो फूर्ती के संग में लगे गए तो भूसा हमारे ना लगे पाओ साथ बनाएंगे। अरे भैया फिर तो निकल वो कमर आ गए अब तुम एक काम करो, हम कुछ बताओ कहा करें। तो बोलो देखो बोलो मानो तुम बुरा यही बात आए। अरे बात तो यह है कि हम तुम दर्शन बात मिल रहे ना, और सब लोग मिलते हैं आओ तुम्हें मेरे के साथ तुम्हारे घर चप्पल उठाओगे जो आप अपना चप्पल वाली बात है बात नहीं करिए।
तो एकदम से बोली कि गांव की नारी उतारे उतारे यानी उतरी नहीं जनाय मानो काय से उतरी नहीं छत से उतरी के बस से उतरी के जीना पत उतरी काय पत उतरी जनाय बोली कि गांव की नारी उतारे और बुरी में नारी पूरी में नहीं कही आज और हमने काल से पूरी नहीं कही लेकिन अलग जितनी जगह की औरतें हैं सब उतरी नहीं है तो हमने की पूरे गांव की उतरी नहीं है क्या क्या कह रहे हमें हम क्या सुना कह रहे हम क्या कह रहे हैं कि पूरे गांव की औरतें बोली हाँ पूरे गांव की अरे बिना बात के घोर हो नहीं आती मेरे द्वार बोली बिना बात की घोर हो नहीं आती मेरे द्वार पूछे हाल मेरे आंगन को इनके खसम की मारी सारे बुरी में नारी कर यानी गाड़ी देवे की आदत रहती तो जवाब दो आज हमने कहो गाड़ी नहीं नहीं ना आज हमने कहो से कहो पूरी भली कही अरे मैं हूं सीधी सादी नारी बैठी राती द्वार मैं हूं सीधी सादी नारी बैठी राती द्वार और के जगह की जो है अब जाकी पास से जोड़ती हूं मैं जब पूरे गांव आज हमने काल से लड़ाई नहीं करी आज हमने काल से पूरी नहीं करी लेकिन ये पूरे गांव की ओर से उतरी नहीं ये कहूं भली ना है बोली जब मोहल्ला में या जब परिवार में अरे मेरे बारे में मोहल्ला की जो कोई बात निकाले मेरे बारे में मोहल्ला की जो कोई बात निकाले वो अपने मुंह से खूने खा रहे अपने खसम की चेली का चारे पूरी में मैं कर गाड़ियों देती जाती है बोली आज लो हमने काल से पूरी नहीं गई करो लल्ला ओ हमारी नेकों कोई चर्चा चला है जो मोहल्ला की औरत अरे चर्चा मेरी जोम चला ले जा कस्बा की नारी